अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक लेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ जिसे हम बनाएंगे सिल्क थ्रेड से। ये सिल्क थ्रेड आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से, एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप लोकल मार्केट में देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये ईजिली अवेलेबल होगा। उसे एम्ब्रॉयडरी का धागा भी कहते हैं, तो आप लोकल मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। 7 नंबर 0.95 mm की हमने यहाँ पर नीडल ली है। नीडल में यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिखा रही हूँ, फिर भी कमेंट्स आते हैं कि क्या नाम है नीडल का और क्या नंबर है नीडल का। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से स्टार्ट से एंड तक वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर ये लेस डिज़ाइन में दुपट्टे पर बना रही हूँ। आप सेम डिज़ाइन ड्रेस के दामन पर, स्लीव्स पर, साड़ी की बॉर्डर पर बना सकते हैं, अबाया के दुपट्टे वगैरह पर भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपने फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट ले लेना है। नीडल की नीब हमें अपनी तरफ रखते हुए इस तरीके से राउंड लेना है एंड देन स्लिप नट लेना है। कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे, फ्रंट साइड से आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने इस तरीके से सिंगल क्रोशियो बनाना है। सिंगल क्रोशियो बनाने के बाद आपने लेनी है 3 चैन, 1 2 3। 3 चैन लेकर थोड़े गैप पर सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, फिर लेंगे 3 चैन, फिर थोड़े गैप पर सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, और ऐसे ही हम पहले बेस लाइन बनाएंगे। अगर आप दुपट्टे के 4 साइड में भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो पहले आपने 4 साइड में इस तरीके से बेस लाइन बना लेनी है, फिर हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके एंड देन बेल नोटिफिकेशन आएगी, वहाँ पर आपने ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। एक लाइव सेशन हो गया है कल रात में, वो आप चेक कर लेना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें आप लोगों के साथ शेयर की है। बिगिनर्स अगर आप अच्छे खासे क्रोचेटर भी हैं तब भी आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इस तरीके से पहले आपने बेस लाइन कम्प्लीट कर लेना है। अब मुझे जितनी लेंथ बनानी है लेस की, मैं इस तरीके से बेस लाइन कम्प्लीट करके आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ये धागा कट कर दी हूँ, बाद में मैं इसे कंटिन्यू फॉलो करूँगी। अब हम स्टार्ट से डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। अगेन आपने फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट ले लेना है। फर्स्ट गैप में आपने सिंगल क्रोशियो बनाना है। सिंगल क्रोशियो बनाकर 5 चैन लेनी है, 1 2 3 4 5। 5 चैन लेकर नेक्स्ट गैप में आपने डबल क्रोशियो बनाना है, 1 2 3 4। इस तरीके से 4 टाइम्स डबल क्रोशियो बनाकर फिर हमने लेनी है 5 चैन, 1 2 3 4 5। 5 चैन लेनी है और बैक साइड में ये जो फर्स्ट डबल क्रोशियो है इसके ऊपर सिंगल क्रोशियो बनाएंगे। सिंगल क्रोशियो बनाने के बाद हमने लेनी है 2 चैन, 1 एंड 2। 2 चैन लेकर यहाँ पर 3rd चैन के गैप में सिंगल क्रोशियो बनाएंगे इस तरीके से। अब फ्रंट में आ जाएंगे और ये जो 5 चैन का गैप है इसमें हम डबल क्रोशियो बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से 9 टाइम्स डबल क्रोशियो बनाकर फिर आपने ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशियो है उसके 2 धागों में नीडल डालनी है और यहाँ पर आपने डबल क्रोशियो बनाना है इस तरीके से। फिर आपने ये एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में 4 टाइम्स डबल क्रोशियो बना लेना है, 1 2 3
फोर इस तरीके से। फिर हम लेंगे टू चैन और एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में फिर से फोर टाइम्स डबल क्रोशो बनाएंगे, वन टू थ्री फोर इस तरीके से। फिर लेंगे फाइव चैन वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन लेकर फोर्थ ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशियो है उस पर हमें सिंगल क्रोशियो बनाना है और टू चैन लेनी है। फिर जो हमने यहाँ पर ये टू चैन ली थी ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशियो है उसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशियो बनाना है इस तरीके से। अब फिर फ्रंट में आ जाएंगे और इस गैप में नाइन टाइम्स डबल क्रोशियो बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड द लास्ट नाइन। अब एक डबल क्रोशियो बनाएंगे हम, ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशियो है उसके दो धागों में नीडल डालकर इसके ऊपर हमें लास्ट एक डबल क्रोशियो बनाना है आगे बढ़ने के लिए। तो ये डिज़ाइन कुछ हमारी ऐसी बनती जाएगी। अब इसके बाद हम एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में फोर टाइम्स डबल क्रोशियो बनाएंगे, वन टू थ्री फोर इस तरीके से। अब टू चैन लेकर आगे बढ़ेंगे, फिर एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में फोर टाइम्स डबल क्रोशियो बनाएंगे, वन टू थ्री फोर इस तरीके से। फिर हम लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव चैन और ये जो लास्ट फर्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशियो है उसके ऊपर सिंगल क्रोशियो बनाएंगे। फिर लेंगे टू चैन और ये जो डबल क्रोशियो है इसके ऊपर सिंगल क्रोशियो बनाएंगे। फ्रंट में आ जाएंगे और गैप में नाइन टाइम्स डबल क्रोशियो बनाएंगे, वन टू। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन आएगी वहाँ पर आपने ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है और लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन करना, बहुत हेल्पफुल वीडियोस होने वाली हैं। दो चार छः आठ एंड द लास्ट नाइन। और फिर ये जो डबल क्रोशियो है लास्ट वाला इसके दो धागों में आपने नीडल डालनी है और उसके ऊपर डबल क्रोशियो बनाना है। देन एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप पर फोर टाइम्स डबल क्रोशियो बनाएंगे, वन टू थ्री एंड फोर। फिर लेंगे टू चैन, एक गैप छोड़ देंगे, नेक्स्ट गैप में फोर टाइम्स डबल क्रोशियो बनाएंगे, वन टू थ्री फोर इस तरीके से। और ऐसे ही हम ये डिज़ाइन कंटिन्यू फॉलो करेंगे, जितनी आपको लेंथ बनानी है आप इसे ऐसे ही बनाते जाओगे। आई होप कि आप लोगों को ये डिज़ाइन समझ में आई है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। सो गाइज, ऐसे ही इसे आपने कंटिन्यू फॉलो करना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।